यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई का फॉर्म जो है 6/9/2022 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 6/10/2022 तक रहेगी 11:45 रात को। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे, ये जो ऑप्शन वेबसाइट है आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके इस ऑप्शनल वेबसाइट पे आएंगे। अब आगे का प्रोसेस शुरू होता है, तो इस वेबसाइट पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ आपको नोटिफिकेशन दी गई है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे आपने अपलोड करने हैं, कैसे आपने ऐड करने हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आपने यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्रोसेस टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आएगी, पोस्ट फॉर अप्लाई, यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर असिस्टेंट, यहाँ पे आपका फुल नेम दिया गया है, उसके बाद फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम, मोबाइल नंबर, कन्फर्म करेंगे मोबाइल नंबर को, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, जो जो आपके रेड स्टार दिए गए वो कंपलसरी आपको फिल करने ही होंगे। दोबारा से ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे आप वैसा टाइप करेंगे, उसके बाद फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल आएगी, यहाँ पे आपने नेशनलिटी इंडियन पे क्लिक करना है, जेंडर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका मैरिड है अनमैरिड है, इसके बाद रहता है आपका कैटेगरी और आपकी स्टेट का डिटेल। तो यहाँ पे कौन सी, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं यस करेंगे, अदर स्टेट से नो, और यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपने यस पे करना है क्लिक का, और यहाँ पे आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विस मैन आ जाता है। अगर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करेंगे, वो कोई भी ऑप्शन आपके नहीं आएगा। जैसे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी कैटेगरी पूछेगा, तो यहाँ पे आपने कौन सा कैटेगरी से आप डिसेबिलिटी है तो यहाँ से वो चूज़ करेंगे, और यहाँ पे कितना परसेंट है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 40% से आप है तो तभी आप इसको फिलअप करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो फिर ये आपको डिसेबिलिटी कैंडिडेट का कोई भी कोटा नहीं लगेगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट रहता है आपका एजुकेशन डिटेल, मैट्रिक की डिटेल डालेंगे, बोर्ड कौन सा है, ईयर पासिंग ऑफ ईयर, और यहाँ पे परसेंटेज, उसके बाद यहाँ प्लस टू की आएगी आपकी डिटेल, बोर्ड, पासिंग ऑफ ईयर, ग्रेड क्या है, और यहाँ पे क्वालिफाइड एग्ज़ाम कि आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाइड किया है या नहीं, डिग्री है या अदर कोई एग्ज़ाम है, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे रहता है डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस डिटेल का, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर फीस का अमाउंट आएगा जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और ये कोड दिया गया है इसको एंटर करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक होने के बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब रहता आपका पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे पेमेंट विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पे किसी भी एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली पेमेंट, इसको आप क्लोज करेंगे और लास्ट में आपका प्रिंट आउट आ, उसको आपने निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में आपको प्रिंट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है आपको यूपी के तहत जो राज्य विद्युत निगम के द्वारा जो वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर असिस्टेंट की, उसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं।